नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व सिंह बघेल है। जैसा कि भैया ने बताया, तुम सब शायद मैं भी व्यापारी हूँ, दाम अच्छा मिले तो पार्टी बदल देते हैं। तुम सब शायद मैं भी एक व्यापारी हैं, दाम अच्छा मिले तो पार्टी बदल देते हैं, फिर मोहब्बत तवायब से करके उसे बेवफा भी कहते हैं। ऐसा क्यों? एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही बैकग्राउंड में जीबी रोड जैसी इमेज बन जाती है, निगेटिव इमेज। और जो शब्द मैंने बोला अभी कुछ क्षण पहले ही, उसी तवायफ के जहन में दफन कुछ तमन्नाओं को पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा, इस पोयम का नाम है एक तवायफ। मैंने हमेशा ही गैरों के लिए कमीज की बटन खोली है, अब मुझे किसी अपने की कमीज में बटन लगानी। मुझे भी बेखौफ से इश्क की सैर करनी है, खुद को इस तहखाने से रिहा करने की साजिश करनी है। मुझे भी हर सुबह किसी अपने को चाय पिलानी है, और जब भूले कभी वो अपना बटुआ या रुमाल, हाँ बेशक मुझे उसकी कार तक पहुंचानी है। मुझे भी बेखौफ से इश्क की सैर करनी है। कोई मुझे भी तो कहे, कोई मुझे भी तो कहे, माँ मेरी छोटी कर दो, मैं स्कूल को लेट हो जाऊंगी। कोई मुझे भी तो कहे, माँ मेरे जूते की लेस बांध दो, मैं स्कूल को लेट हो जाऊंगा। कोई मुझे भी तो कहे, किसी घर की बेटी हूँ मैं। कोई मुझे भी तो कहे, किसी घर की लक्ष्मी हूँ मैं। हाँ बेशक तवायफ हूँ मैं, हाँ बेशक तवायफ हूँ मैं, किन्हीं हालातों का परिणाम हूँ मैं, हाँ बेशक तवायफ हूँ मैं। ये एक लड़का है जो अपने घर से, अपने दोस्त यारों से दूर जाता है, और दूर कहाँ जाता है, इश्क के बागान में। और इश्क के बागान में हरियाली भी है, खुशबू भी है, सुगंध भी है, लेकिन एक पतझड़ का मौसम भी आता है सावन के मौसम के बाद। तो इस पेड़ में पतझड़ के बाद पत्ते नहीं आते हैं, और ये लड़का इश्क के बागान से वापस अपने घर की ओर जाना चाहता है। उसी पे मैंने एक लिखा था, ए माँ सुनो, मैं खुद से दूर जाता जा रहा हूँ, मुझे अपने पास बुला लो ना। ए माँ सुनो, मुझे कसकर गले लगा लो ना, मुझे कसकर गले लगा लो। मैं सहम सा गया हूँ कालिखों के साय में कहीं, मैं सहम सा गया हूँ कालिखों के साय में कहीं, तुम अपनी ममता के दीप जला दो ना। ए माँ सुनो, मुझे कसकर गले लगा लो। मैं भीग सा गया हूँ गमों की बारिश में कहीं, मैं भीग सा गया हूँ गमों की बारिश में कहीं, खुशियों की गुलाल लगा दो ना, मुझे माँ अपने पास कसकर गले लगा लो ना, मुझे कसकर गले लगा लो ना। तेरे आंचल में कहीं ओझल शीतल है, तेरे आंचल में कहीं ओझल शीतल है, अपनी गोद में सिर रख कर सुला लो ना, मुझे कसकर गले लगा लो ना, मुझे कसकर गले लगा लो ना। और ये जो कलम और कागज का मेरी लाइफ में सिलसिला शुरू हुआ, उस पे दो लाइन मैंने लिखी थी कि उनसे बिछड़ना जहन में जैसे जहर साबित हुआ, उनसे बिछड़ना जहन में जैसे जहर साबित हुआ, होंठों पे सिगार या हाथों पे शराब नहीं, होंठों पे शिगार या हाथों पे शराब नहीं, हाँ बेशक हयात पे कलम कागज साबित हुआ, हयात पे कलम कागज साबित हुआ। यदि हुए कभी उनसे रूबरू तो बताएंगे, यदि हुए कभी उनसे रूबरू तो बताएंगे,
आनंद से नूर का ओझल होना तो फिर भी ठीक था, उनसे बिछड़ना जैसे जहन में जहर साबित हुआ, जैसे जहन में जहर साबित हुआ। थैंक यू सो मच।